हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द देसी टेबल। आज हम बनाने जा रहे हैं कीटो बर्गर। चलो तो अब हम इसे बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है कैप्सिकम, इसके हम स्लाइसेस कर लेंगे। अब हम इसके सीड्स निकाल देंगे। यहाँ पे हमने सभी स्लाइस के सीड्स निकाल दिए हैं। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब एक टोमेटो के स्लाइस कर लेंगे। हमें ज़्यादा मोटे स्लाइस नहीं करना है और ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए। अब इसे भी साइड में रख देंगे। अब हम पनीर के स्लाइस कर लेंगे। इसे भी हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। पनीर को भी हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने एक पैन को गरम कर लिया है। अब उसमें थोड़ा बटर डालेंगे। अब इसमें पनीर डालेंगे और पनीर का कलर सुनहरा होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब इसे पलट लेंगे। पनीर को हमें दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। हमारे पनीर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब इसी पैन में हम शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को हमें कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई कर लेना है। इसे पलट देंगे और दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है पत्ता गोभी। इस पर हम अप्लाई करेंगे मेयोनीज। उसके ऊपर रख देंगे शिमला मिर्च, उसके बाद पनीर। पनीर पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ओरेगानो। उस पर अप्लाई करेंगे बर्गर मेयोनीज। बाद में रख देंगे टोमेटो, कुकुम्बर। ऊपर से स्प्रेड करेंगे चीज और एक पनीर का स्लाइस रख देंगे और ऊपर से थोड़ा अप्लाई करेंगे बर्गर मेयोनीज। अब रखेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हमारा कीटो बर्गर सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।